नहीं सहेंगे। आप ही घूमिए ना एक बार, देखिए ना कहीं पे, देखिए ना मेरा नहीं ना बात है। के गिट्टी के गिट्टी छबे कर, ये अपनी गाड़ी है, जनसंपर्क विभाग की गाड़ी है। हेलो, क्या नाम है? आनंद राज। आनंद राज, आनंद राज। सीसीटीवी की उपस्थिति में लगाते हुए कॉपी जची है, उसमें है कि एक बड़ी संख्या में हमारे पर्यवेक्षक भी प्रतिनिधित्व है, हर 5 के ऊपर एक सुपरवाइजर के ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर्स हर 10 के ऊपर एक लगाए गए हैं। तो एक चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से कॉपी चेक कराई गई है। यदि फिर भी किसी को ऐसा लग रहा है कि उनका पेपर अच्छा गया था और अपेक्षाकृत उन्हें कम मार्क्स मिले हैं, तो एक 3 दिन का आपत्ति का भी एक फेज उसमें दिया गया है। 2 तारीख तक वे कार्यालय में अपनी आपत्ति जमा कर सकते हैं और कोई भी फाइनल रिजल्ट, जब तक आपत्तियों का फाइनल हम लोग निष्पादन नहीं कर सकते, तब तक फाइनल रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा। यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो उनको, जो अभ्यर्थी उसमें उत्तीर्ण होंगे, तो उनको हम लोग दोबारा मौका भी देंगे कि वे आके अपना कंप्यूटर दक्षता टेस्ट दे सकें, और साथ ही साथ जो इन्विजिलेटर हैं जिन्होंने गलत किया है उन पर भी जो विधि सम्मत कार्रवाई होनी है तो वो भी करी जाएगी। इस प्रकार की प्रशासनिक चूक जिसमें इतनी तैयारी के साथ ये परीक्षा कराई गई, तो बिल्कुल भी कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरक्षण रोस्टर को लेकर भी विवाद है, उसमें है कि सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें आई हैं। किसी भी परीक्षा में जो वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो उसकी लास्ट स्टेज में होता है। अभी हम लोग जो किए हैं ये स्वघोषणा के आधार पर हुआ, जो स्वघोषणा कैंडिडेट ने अपने श्रेणी की या अपने आरक्षण कोटी की डिक्लेयर की है उसके आधार पर ही किया गया। छुपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, वरना हम चाहते तो श्रेणी को हटाते हुए भी रिजल्ट पब्लिश कर सकते थे। तो पूरी पारदर्शिता के साथ हमने अपना रिजल्ट पब्लिश किया है। जो भी उसमें श्रेणी दिखाई जा रही है वो अभ्यर्थी ने जो फॉर्म भरा है उसमें अपना खुद ही इन्होंने जो स्वघोषणा की है उसी आधार पर रिजल्ट पब्लिश हुआ है। और फाइनल रिजल्ट से पहले जैसे किसी भी परीक्षा में होता है कि डॉक्यूमेंट्स की टेस्टिंग होती है, को टेस्ट किया जाता है, वैसे ही इसमें भी किया जाएगा। और यदि उस स्तर उस स्टेज पर पाया जाएगा कि गलत तरीके से या इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है, तो जो भी विधिसम्मत कार्रवाई ऐसे गलत अभ्यर्थियों के विरुद्ध है उन पर भी हम लोग अनिवार्य रूप से कार्रवाई भी करेंगे।